प्रकरण 99 राष्ट्र हित में चिंतन की ओर। गुरुदेव अब अधिक समय भारत में ही बिताने लगे। धर्म परिवर्तन तथा आतंकवाद की काली छाया भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता को नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध थी। प्रमाणिक प्रमाणों के साथ जब गुरुदेव को यह सब बात पता चला तो आप विचलित हो उठे और बारंबार सभी को सचेत करते हुए कहते, अभी तो कारगिल युद्ध के घाव भी भरे नहीं थे। उस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने अपनी मूल्यवान जानें खोई थी। हमारे जवानों ने उनके प्रयत्न को बड़ी बहादुरी से विफल तो कर दिया, परंतु इस युद्ध में अनेक माताओं ने अपने जवान वीर बच्चे खोए, नवविवाहिता पत्नियों ने पति और कई बहनों ने अपने भाई खोए। इससे पूर्व भी विदेशों की साम्राज्यवादी नीति के कारण अखंड भारत के 3 टुकड़े हो चुके थे। अफगानिस्तान, चीन तथा पाकिस्तान कभी विशाल भारत के भूखंड हुआ करते थे, कभी भारत की सीमा जिसे पश्चिमी पठार कहा जाता है वह हमारे देश की दाहिनी भुजा थी और वर्मा भारत की बाईं भुजा थी। कन्याकुमारी भारत के चरण हैं जिनको समुद्र सदैव धोता रहता है। कश्मीर हमारा मस्तक है, हमारी दोनों बाहें काट दी गई, हमें अपना मस्तक बचाना है। भारत की 85 करोड़ जनता यदि जागृत हो जाए, उठ खड़ी हो जाए, तो संसार की कोई ताकत इसे नीचा नहीं दिखा सकती। इसके लिए भारत भर में पुनः जागृति का बिगुल बजाना होगा। आप कुछ वर्ष पूर्व हुए पंजाब के आतंकवाद को भी संतप्त हृदय से याद करते। खालिस्तान बनाने की योजना को यद्यपि भारत सरकार तथा फौज ने विफल कर दिया था, परंतु उस आतंकवाद के परिणाम स्वरूप पंजाब में हजारों बच्चे अनाथ हो गए, स्त्रियां विधवा हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों परिवारों ने अपने प्रिय संबंधियों को खोया। उस समय भी आपने पंजाब के परिवारों के दुख को बांटने के लिए कई निराश्रित बच्चों को अपनाते हुए विराटनगर आश्रम में उनकी सारी व्यवस्था की और उन्हें ऋषि परंपरागत छत्र छाया प्रदान की। आपके चिंतन में यह भी शामिल था कि आज भारतीय राजनेता अपने स्वार्थ साधने में और कुर्सी की चिंता में कुछ भी करने को तैयार है और भारतीय जनता इन सब से बेखबर गहरी नींद सो रही है। इतिहास के 900 वर्ष की परतंत्रता के पन्ने किसी भी स्वाभिमानी भारतीय के लिए आंसू बहाने योग्य ही है। फिर से वही इतिहास न दोहराया जाए, इस चिंता के घेरे में चिंतनशील हो गुरुदेव कुछ विशेष करने के संकल्प से कटिबद्ध हो गए। इसी बीच आपको विदेश जाना पड़ गया। वहां भी सर्वत्र जहां भी आप जाते भारत की राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए आह्वान करते। आपका कहना था नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में आज क्रिश्चियनों के धर्म परिवर्तन का कुचक्र फैला है। नागालैंड में अधिकतर ईसाई बन गए, मिजोरम में भी ईसाई बन गए, अब वहां पर 20% हिंदू रह गए हैं। वे कहते हैं कि हमारा भारत से कोई संबंध नहीं है, वहां विचारों का टकराव है, वे वैदिक विचारधाराओं को स्वीकार नहीं करते और यही स्थिति यहां के आतंकवाद की है। क्या श्रीनगर में रहने वाले, कश्मीर घाटी में रहने वाले मुसलमान नहीं जानते कि यहां जो हिंदू हैं वे उनके ही पूर्वजों की संतानें हैं? क्या वहां के हिंदू नहीं जानते कि यहां जो मुसलमान है वह हमारे पूर्वजों की संतानें हैं? क्या उनके पूर्वज एक नहीं है? क्या उनका गोत्र एक नहीं है? क्या आज उनके रगों में जो खून है वह एक नहीं है? लेकिन क्या बदल गया है? विचार बदल गया है। वहां रहने वाले हिंदू इस्लाम की विचारधारा से सहमत नहीं थे और वहां बहुसंख्या में रहने वाले इस्लाम के अनुयायी हिंदू विचारधारा से सहमत नहीं थे। सहमत न होने के नाते अपने भाइयों को उन्होंने मारकर वहां से निकाल दिया। वे जो निकाले गए थोड़े नहीं थे, 4 लाख हिंदू थे। हमारे देश में हूण आए, हूणों के बाद ततार आए और ततारों के बाद में जिसको बर्बर जाति कहते हैं वे लोग आए। इन सब के आने से भारत का कोई बहुत बड़ा अहित नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास अपनी कोई फिजियोलॉजी नहीं थी। वे आते थे लूटने के लिए, वे आते थे विजय प्राप्त करने के लिए, यही उनका लक्ष्य था। लेकिन जब भारत में इस्लाम आया तो वह अपनी फिजियोलॉजी लेकर आया, एक अपनी जीवन की प्रक्रिया लेकर आया, एक अपना सिद्धांत लेकर आया,
अपना मजहब लेकर आया और उस संकीर्ण विचारधारा से सारे विश्व को डुबो देने का इनका इरादा था। मैं वंदना करता हूँ भारत के उन महान पुरुषों की जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस्लाम की उस आंधी को झेला। इसमें संदेह नहीं कि हमने उसमें बहुत कुछ गवाया और उस गवाने में मुख्य कारण रही है हमारी सहिष्णुता, अहिंसा, आत्मदृष्टि की अविवेकपूर्ण धारणा। इस प्रकार गुरुदेव के चिंतन की धारा अब देश हित की ओर ही सतत बहने लगी। फलतः आपने कुछ दृढ़ संकल्प लिए। प्रकरण 100वां, जन जागृति महाअभियान का प्रारंभ। गुरुदेव 16 जून 2001 को विदेश भ्रमण के पश्चात भारत वापस आए। सन 1972 से जब आपने विदेश जाना प्रारंभ किया था, तब से जब भी आप भारत भूमि पर वापस कदम रखते तो आप सर्वप्रथम सीधे विराट नगर में विराजित भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते और उसके पश्चात ही अन्यत्र कहीं जाते। आपके मन में भारत के प्रति जो चिंतन चल रहा था, उसी के कारण आप दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचते ही आपने अखिल भारतीय संत समिति की 3 दिवसीय बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत के 8 प्रांतों के लगभग 100 प्रतिष्ठित महात्माओं ने भाग लिया। आप अखिल भारतीय संत समिति के केंद्रीय निर्देशक मंडल के संयोजक थे। आपके संयोजन तले सभी संतों ने यह संकल्प लिया कि शीघ्र ही एक जन जागृति महाअभियान प्रारंभ किया जाए। इंटरनेट पर जो मुगलस्तान बनाने की योजना दिखाई गई थी, वह कश्मीर से बंगाल तक दर्शाई गई थी। इसलिए गुरुदेव ने जम्मू, कटरा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम तक का रास्ता जन जागृति महाअभियान के लिए चुना। जन जागृति महाअभियान की रूपरेखा तैयार करने हेतु 11-12-13 सितंबर 2001 को संत समिति की कार्यकारिणी की बैठक पुनः हरिद्वार में की गई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि यह महाअभियान की यात्रा श्री वैष्णवी पीठ कटरा से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रांतों से होती हुई श्री कामाख्या शक्तिपीठ आसाम में संपन्न की जाएगी। गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को जागृत करने के लिए रथ यात्रा के साथ साथ सैकड़ों विद्वान संत होंगे जो अपने प्रवचनों के द्वारा भारतीय जनता को जागृत करेंगे। 28 सितंबर 2001 को इसी उद्देश्य की पूर्ति में गुरुदेव दिल्ली विशाल संत सम्मेलन में गए और जन जागृति महाअभियान के उद्देश्यों से जनता को परिचित करवाया। दिल्ली से आपने राजगृह बिहार की ओर प्रस्थान किया। बिहार के सासाराम स्थान पर एक विशाल आयोजन हुआ जिसमें गुरुदेव ने अखिल भारतीय संत समिति के उद्देश्यों से जनता को अवगत कराया। राजगृह में महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज द्वारा स्थापित कैलाश आश्रम में आपने सभी संतों से विचार विमर्श किया और बिहार प्रांत की संत समिति की बैठक भी बुलाई। इस बैठक में जन जागृति महाअभियान यात्रा के स्थानों और कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया। जिस समय गुरुदेव सासाराम के एक स्थान पर ठहरे हुए थे, वहां एक घटना घटित हुई जो उल्लेख्य है। एक व्यक्ति आपके पास आया और आपसे निवेदन किया कि थोड़ी दूर पर एक स्थान है जहां का थानेदार आपसे कुछ गुप्त चर्चा करना चाहता है। 2 बजे का समय निश्चित किया गया। गुरुदेव ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, परंतु कुछ पत्रकार आपके पास पहुंचे और 3 बजे तक आपके साथ प्रश्न करते रहे। जहां पहुंचना था वह 1 घंटे का रास्ता था। जीप द्वारा गुरुदेव 4 बजे निश्चित स्थान पर पहुंचे तो घोर जंगल में जहां एक नदी बहती है वहां जाकर पता चला कि जिसे मिलना था वह अभी अभी वहां से चला गया। मालूम करने पर पता चला कि जिसे वह थानेदार कह रहे थे वह नक्सलवादी मुखिया था। लगभग 80 नौजवान लड़के और उनका वह लीडर गुरुदेव से वार्ता करना चाहते थे। उनके 1-2 विश्वसनीय आदमी जिन्हें वे मुखबिर कहे थे, उनसे गुरुदेव ने कहा, मेरा संदेश जो मैं आज यहां बोलूंगा उसे टेप करके मुखिया को सुना देना। शाम को 1 घंटे का जो व्याख्यान गुरुदेव ने दिया उसे टेप करके उन्होंने अपने मुखिया को पहुंचा दिया। गुरुदेव का कहना था कि गलत नीतियों के कारण जब किसानों को भूखे मरने की नौबत आती है तो उनमें से कुछ आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं और कुछ लड़कर मरने में विश्वास रखते हैं।
डंकल समझौते के कारण भी 70% किसान बेकार हो गए। उनके युवा लड़के अपराधी वृत्ति को अपनाने लगे। नक्सलाइट में भी अधिकतर पढ़े लिखे लड़के हैं। उन पढ़े लिखे युवा लड़कों को गुरुदेव ने सचेत करते हुए कहा, निरपराध लोगों को मारने से अपना अधिकार नहीं मिलता, इसके लिए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए और स्वार्थी राजनेताओं को वोट नहीं देना चाहिए। 3-4-5 अक्टूबर को दिल्ली में संत समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। गुरुदेव ने 30 पृष्ठों की एक छोटी सी पुस्तिका जन जागृति महाअभियान क्यों लिखकर उसे छपवाकर जनता में बंटवाया। इसके अतिरिक्त एक पृष्ठ का पैम्पलेट भी छपवाकर बंटवाया गया। पुस्तिका में गुरुदेव ने अपने चिंतायुक्त चिंतन को शब्द देते हुए निम्नलिखित विषयों पर लेख लिखे, जो जन जागृति महाअभियान नामक पुस्तक में सभी भारतवासियों के लिए पठनीय है। जन जागृति महाअभियान क्यों? राष्ट्र की उन्नति एवं संरक्षणार्थ युवा वर्ग का आवाहन, राष्ट्र रक्षार्थ भारतीय जन समुदाय का आवाहन, भारतीय अस्मिता और उसकी रक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता एवं जन जागरण, आतंकवाद एक चिंतन, वर्तमान की ज्वलंत समस्याएं। इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं जो इस राष्ट्र के भविष्य को अंधकारमय बनाने के लिए उद्यत है। प्रबुद्ध संत समाज इन सभी समस्याओं को भलीभांति जानकर इनके परिणाम की कल्पना कर व्यथित हैं और इन समस्याओं से जन समुदाय को सुपरिचित कराकर संगठित हो इनके निराकरण के लिए जन जागृति महाअभियान प्रारंभ कर रहा है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस राष्ट्र के हितैषु एवं स्वाभिमानी नागरिक पूर्णतया इस अभियान को सहयोग प्रदान कर सफल बनाएंगे तथा इन समस्याओं को समूल नष्ट कर इस देश को पुनः विश्व मंच पर गौरवान्वित करेंगे। चिंता की बात तो यह थी कि गुरुदेव का स्वास्थ्य भी अब शिथिल रहने लग गया था। अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन के देश विदेश के कार्यों की देख रेख का विपुल भार तथा अत्यंत व्यस्तता भी आपको विश्राम न लेने देती। अखिल भारतीय संत समिति के केंद्रीय निर्देशक मंडल के मुख्य संयोजक के रूप में आप दिन रात बैठ के करते, पत्रकारों को इकट्ठा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, बड़े बड़े संत सम्मेलन और जनसभाएं आयोजित करवाते, जनता और सरकार दोनों की नींद खोलने के लिए आप सिंह गर्जना करते हुए विशाल सम्मेलनों में यह संदेश देते, धर्म और राष्ट्र दोनों को साथ साथ धारण करने, रक्षण करने, आराधने से ही भारतीय जनजीवन का अस्तित्व बच सकता है। इसके अतिरिक्त आपने अनेक लेखों के माध्यम से जन जागृति महाअभियान का कार्य करना प्रारंभ किया। आश्चर्य तो तब होता है कि इस सारी व्यवस्था और थका देने वाले कार्यक्रमों में भी आप एक ऐसा महान कार्य करने का समय निकाल लेते जिसके लिए एकांतिक एकाग्रता की नितांत आवश्यकता होती है। आप काफी समय से श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखवा रहे थे। इसके लिए आप प्रातः से सायं तक विराटनगर आश्रम के अपने कुटीर में द्वार बंद कर भीतर बैठ जाते, फलाहार के नियम के साथ आप सिद्धासन पर बैठ जाते, समाधि प्रज्ञा के द्वारा आप जो कुछ भी बोलते उसे आपका कोई सन्यासी कृपा पात्र लिखता जाता। इस बार आपने अपने प्रिय शिष्य स्वामी योगानंद जी को इस कार्य हेतु चुना हुआ था। स्वामी योगानंद जी फलाहार के व्रत के साथ ही लेखन कार्य करते रहे, भाष्य लिखने का कार्य भी अनवरत जारी रहा और शेष व्यवस्थाएं भी बढ़ती गई। आपके अंग संग रहने वाले आपके शिष्य तथा संत समिति के संत वृंद आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए थोड़ा सा विश्राम करने और समय पर भोजन पाने का आग्रह करते, परंतु आपकी दृढ़ता और अपने ही तरीके की तपयुक्त जीवन शैली के आगे किसी की न चलती। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर जायसवाल तथा डॉक्टर अतुलेश वैद्य समय समय पर आपके स्वास्थ्य का परीक्षण करते। उन्हें आश्चर्य होता कि इतने कमजोर स्वास्थ्य में भी गुरुदेव दिन रात परिश्रम में कैसे संलग्न रहते हैं। बार बार मना करने पर भी आप न तो अपने कार्यक्रम बदलते और न ही दिनचर्या का तरीका। आपके सामने आपके अति प्रिय भारत का चित्र घूमता रहता। यहां तक कि एक दिन
अब नहीं तो कभी नहीं। कहते हुए आप एकदम से उठ खड़े हुए, गीता भाष्य लिखना बीच में ही छोड़ दिया और एक महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। आपने 2 से 6 नवंबर 2001 वार्ष्णेय मंदिर अलीगढ़ में वयस्वी महायोग मंडल के द्वारा आयोजित विशाल कार्यक्रम में जन जागृति महाभियान से संबंधित क्रांतिकारी प्रवचन दिए। इस अवसर पर अग्रसेन चौक से वार्ष्णेय मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें एक सुसज्जित रथ में गुरुदेव को बिठाकर उनका सम्मान किया गया। अलीगढ़ के DOS कॉलेज के विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के समक्ष आपने राष्ट्र संबंधी वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं को बताया। डॉक्टर आर के वार्ष्णेय ने निष्ठापूर्वक बड़े बड़े कार्यक्रमों की व्यवस्था की, जिनमें गुरुदेव क्रांतिकारी उद्बोधन देते रहे। 7 नवंबर 2001 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति द्वारा एक विशाल गौरक्षा आंदोलन रैली की गई। यह रैली जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हजारों लोगों में गुरुदेव ने सिंह गर्जना करते हुए उन्हें चेताया। इसके पश्चात ऑल इंडिया योगा कॉन्फ्रेंस में ताल कटोरा सभागार में आपने डॉक्टरों का देश रक्षण हेतु एकजुट होने का आह्वान किया। 19 नवंबर 2001 को आप स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित सोहम आश्रम के आमंत्रण पर विशाल संत सम्मेलन में भाग लेने गए। इसके पश्चात दिल्ली में पुनः संत समिति की बैठक हुई, जिसमें गंभीर विचार विमर्श किया गया। 24-25 नवंबर 2001 को आप अहमदाबाद गए, वहां स्वामी कर्षणदास जी महाराज के जगतगुरु पद पर पट्टाभिषेक में भाग लिया और विशाल जन समूह को अपने उद्बोधन से हिला दिया। 2 दिसंबर 2001 को आपने अपने कुछ शिष्यों के साथ जन जागृति महाअभियान की यात्रा के लिए ब्रह्मर्षि आश्रम विराट नगर से उधमपुर के लिए प्रस्थान किया। 5 दिसंबर 2001 को महावैष्णवी देवी के चरण प्रांत कटरा से इस महाअभियान का शुभारंभ अनूठे तरीके से किया गया। कटरा में प्रथम बार राष्ट्रध्वज और धर्म ध्वज एक साथ फहराए गए। अखिल भारतीय संत समिति के सभी पदाधिकारी और प्रतिष्ठित संत वृंद तथा सैकड़ों साधु संतों ने इस प्रकार राष्ट्रध्वज और धर्म ध्वज को एक साथ फहराते हुए दोनों की रक्षा के संकल्प का अभिव्यक्तिकरण किया। वैष्णवी देवी से प्रारंभ हुई यह यात्रा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या, गोरखपुर, गाजीपुर होते हुए 30 जनवरी 2002 को बलिया पहुंची। रास्ते में स्थान स्थान पर गांवों में, शहरों में बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए जनता को राष्ट्र देवो भव की ओर प्रेरित करते हुए सभी संत महात्मा आगे बढ़ते रहे। इस महाअभियान में गुरुदेव ने मुख्य रूप से कहा, हमारे लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण हमारा धर्म है, हमारी आध्यात्मिक निष्ठा है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है। हम ब्रह्म बल और छात्र बल दोनों से युक्त व्यक्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। मैंने इस विषय में कई पुस्तकें लिखी हैं और इस समय भी भारत के सभी संतों का यह महाअभियान धर्म और राष्ट्र के रक्षा हेतु प्रारंभ किया गया है।